और मैं दावत देता हूँ मेरी बहुत प्यारी सी नन्ही सी परियां, मेरी जान बाबा की जान बाली सकीना, सैयदा बाली सकीना और सैयदा आली सकीना, अस्सलाम वालेकुम। आइए सलाम कीजिए सबको, अस्सलाम वालेकुम। आइए सलाम कीजिए सबको, अस्सलाम वालेकुम। इतने क्यूट कपड़े, आ जाइए बैठिए। हाँ जी यहाँ बैठिए। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? उरूज आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर हिना आप कैसी हैं? महाम आप ठीक हैं? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। तो आज बेटियों का मौजू था तो हमने चाहा कि आज बेटियां, और आप भी यकीनन अपने वालदैन की बेटियां हैं तीनों, और जिस तरह से बेटियों का एहतराम और प्यार का हुक्म दिया गया है, और मैं पहले सोचता था लोग ये कहते थे कि बेटियां बेटियों के बारे में बताते थे बेटियों को बड़ा सुकून होता है बेटी, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेटियाँ जब अल्लाह अता करता है ना तो एक ऐसा सुकून अता करता है कि जब बेटियों की चेहरा इंसान देखता है ना घर लौट कर, तो वो कहता है कि मैं मेरी ज़िंदगी की सारी थकन, मेरी आज की सारी थकन दूँ। बिल्कुल ऐसे ही। क्या कहते हैं? बिल्कुल है। अस्सलाम वालेकुम बाली सकीना, कैसी हैं आप? आज आज मैं आपके बाबा भी हूँ और आज मैं आपका होस्ट भी हूँ और आज आप हमारी गेस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब तो देते हैं माइक पे। हाँ चलिए चलिए। अच्छा बाली सकीना को हमारी जो वालदा हैं इनकी दादी, उन्होंने वो ज़ाकिर अहले बैत हैं सैयदा रौनक जहाँ ज़ादी, तो बच्चों को वो तरबियत देती हैं छोटी छोटी, जैसे मैंने उस दिन ही किताब दिखाई थी मौलाना मोहम्मद, तो इसमें बिल्कुल कहानियों की तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिम सलाम का जिक्र किया गया है। छोटी छोटी सी कहानियाँ उसमें वाक़यात हैं, जिस तरह महम आप आसान लफ्ज़ों में सुनाती हैं प्यारा बचपन में, बिल्कुल इसी तरह। तो ये उसी से वालदा ने तरबियत दी है, लिखी भी है। तो बाली सकीना आज आज क्या सुनाएंगी आप? जंग-ए-बदर। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जंग-ए-बदर शुरू करें। बिस्मिल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم صل على محمد محمد میری تقریر کا عنوان ہے جنگ بدر یہ جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو بدر کے مقام پر ہوئی एक शख्स था उसका नाम बदर था, उसका एक कुआं था, सब उस कुएं को बदर का कुआं कहते थे। जब इस मकाम पर जंग हुई, ये जंग भी जंगे बदर के नाम से मशहूर हो गई। मक्का के काफिर मदीने पर हमला कर मुसलमानों को कत्ल करना चाहते थे, इसलिए बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ गए और बदर के कुएं पर कब्जा करके अपने खेमे नस्ब कर लिए। अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया कि मुसलमानों की लश्कर लेकर बदर के मकाम पर चले जाओ और जियात करो। रसूल खुदा मुसलमानों को लेकर बदर के मकाम पर पहुंच गए। काफिरों की तादाद 1000 से भी ज़्यादा थी और मुसलमानों की सिर्फ 313 थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की औलाद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे पहले काफिरों ने मुसलमानों पर हमला किया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की गैब से मदद के लिए फरिश्ते भेजे। मुसलमानों ने ऐसा शानदार जवाबी हमला किया कि जो काफिर सामने कत्ल करने के लिए खड़े थे वो कत्ल हो गए, कुछ जख्मी हो गए और कुछ खौफ के मारे मैदान छोड़कर भाग गए। मुसलमान ये जंग फतह कर गए। रसूल खुदा ने अल्लाह ताला की हुक्म से मुसलमानों में माले गलीमत तकसीम किया। ये इस जंगे बदर से हम
ये सबक हासिल करते हैं कि अगर हम हक के रास्ते पर चलें तो अल्लाह ताला हमारी गैब से मदद करेगा और फरिश्ते भी नाजिल करेगा। शुक्रिया। माशाल्लाह। एक चीज़ इतनी प्यारी, वो इतने अच्छे से बता रही थी, सारी कहानी सुना रही थी, लेकिन इतनी प्यारी चीज़, जब भी वो कहीं अटकती वो आपकी तरफ देखती क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है बाप बेटी के साथ रिलेशनशिप। वो इसलिए नहीं देख रही, देखिए मैं बताता हूँ ये देख क्यों रही है। मेरी वालदा जो है, इनकी दादी, वो इन्होंने तो इनको लिख के दी और याद कराई, फिर जिम्मेदारी लगा दी मेरी मिसेस की, यानी इनकी वालदा की, कि आपने इनको रोज़ सोने से पहले याद कराना है। फिर जो इनकी ट्यूशन टीचर आती है उनकी भी जिम्मेदारी लगा दी कि आपने भी रिवाइज कराना है। पिछली कुछ ट्रांसमिशन्स में ऐसा हुआ कि जहाँ ये अटकी और मैं बोल पड़ा तो ये फिर आगे से भूल गई, क्योंकि जो याद करके आई थी बीच में अगर मैं कुछ बोल दूं तो वो सारा कनेक्शन टूट जाता है। तो वो इसलिए देख रही थी कि बाबा आप बोलिएगा नहीं कुछ, क्योंकि मेरा स्टॉप। लेकिन ये इतना प्यारा लग रहा था कि वो फौरन सेकंड्स में आपको देख रही थी। जी माशाल्लाह। और ये जो छोटी सी शहजादी झुक झुक के देख रही है, आपका नाम क्या है? आंटी को नाम तो बताए, नाम तो बताइए, अपना नाम क्या है? आपने दुपट्टा नहीं देखा इनका, बाबा की रानी वाला? बल्कि मैं ये सोच रही हूँ फरहान कि क्यों ना हम एक शहजादी को यह ले आए और या मैं या हम कुछ उठ के वहाँ चले जाए तो ये रोज आएगी, ये रोज आएगी। अच्छा, नहीं नहीं, ये अब यानी आली सकीना की नेचर इकट्ठे बैठेंगी नहीं, वो इसमें होता है कि अगर अभी आपसे पहली बार मिली है ना तो अब टाइम लेंगे, लेकिन जब आपसे घुल मिल जाएंगी तो फिर ये फिर चुप नहीं होंगी। हाँ, तो ये कि अब ये फिर वरना रोना शुरू कर देंगे। माशाल्लाह। अच्छा ये दिखाइए अपना दुपट्टा, बाबा की रानी स्पेशली बनाया ना उन्होंने। बाबा के साथ गेम कौन सी खेलते हैं? अरे देखें तो सही कि दुपट्टे पे क्या लिखा है, बाबा की रानी। ये कब बनवाया भाई? ये मुझसे छुपा के रखा हुआ था। ये सरप्राइज था शायद आज आपके। अच्छा, और मुझे कहा गया था कि आपने भी हमारे जैसे कलर, इस कलर के कपड़े पहने। वाह भाई वाह, हुक्म मानना पड़ता है बेटियों। ट्विनिंग। हां, क्या क्या पूछिए आंटी, पूछिए। गेम सबसे ज्यादा आप बाबा के साथ कौन सी खेलते हैं? बाबा कोई गेम्स अच्छी खेलते हैं? जैसे कि फोर, आपको अपने फोर लाइंस बनाने होते हैं और टिक टैक टोस, ये सब उनको आता है। लूडो। बाबा घर में गुस्सा तो नहीं करते हैं? बाबा बिल्कुल आराम से रहते हैं। अगर मतलब मैं कोई गलत बात कर दूँ ना तो सिर्फ मुझसे नाराज होते हैं। मुझे लगता है वैसे आप करती नहीं होंगी ज्यादा। हाँ, ऐसा ही लगता है, फीलिंग आ रही है। नहीं, शरारते तो करती है। अच्छा मुझे ये बताओ कि बाबा को तंग आप ज्यादा करती हो कि छोटू करती है? आली सकीना। आली सकीना तंग करती है। और मामा को तंग कौन करता है? मम्मा को तंग दोनों ही करते हैं। मैं ही करती हूँ। आप तंग करती है। आली सकीना आप तो बताइए, मम्मा को तंग कौन करता है? आली सकीना, मम्मा को तंग कौन करता है? आली सकीना आप तंग करती हैं? इनके नाम आपने रखे? जी, इनके नाम मैंने रखे क्योंकि मैं आपको करती हैं। आप भी तो करती हैं, नहीं तंग करती? अच्छा, मैं जब घर से जाता हूँ तो मुझे बाय बाय करने, खुदाफिस करने, मौला के अमान में कहने कौन कौन आता है? कैसे आती हो? कैसे आती हो आप? कैसे आती हैं? मैं पहले गाड़ी में बैठता हूँ, फिर आप क्या करती हैं? क्या करके आ जाती हूँ? डोर खोल के आ जाती हूँ, फिर दरवाजा खोल के बाबा मैंने आपको हक करना है, प्यार करेंगे। फिर बाली सकीना जब प्यार कर लेंगे मुझे तो उसके बाद फिर होगा कि नहीं, लास्ट मैंने ही करना है। अच्छा। हाँ, फिर दोबारा होता है ना। अच्छा आप ये बताओ कि, अच्छा नाम आप पूछ रही थी, नाम मैंने बाली सकीना और अली सकीना इसलिए रखा कि मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो बेटी हैं बीबी सकीना सलामुल्लाह, तो उनसे एक ख़ास मुझे अकीदत है और उन्हीं का सदका मुझे बेटियां मिली। तो अल्लाह से दुआ मैंने यही की थी कि बेटी अता हो, और क्योंकि मैं उनके कलाम भी अक्सर पढ़ता हूँ तो जब बेटी हुई तो ज़्यादा एहसास फिर पैदा शुरू हुआ। तो फिर मैंने बाली सकीना भी नाम इनका रखा। बाली मतलब छोटी उम्र, कुछ लोग बहुत सोच समझते हैं कि बाली छोटी उम्र, बाली सकीना और आली सकीना यानी आला, तो इसलिए दोनों के नाम रखे। लेकिन आज आप कोई कलाम नया वाला सुनाएंगे? इन्होंने अभी याद किया है। हाँ, नए सारे कलाम याद हो जाते हैं। सुनाइए भाई। चलिए सुनाइए प्यारा रमजान। चलिए आली सकीना आप भी पढ़ना साथ, ठीक है बेटा? चलिए मैं शुरू करूँ पहले। पढ़ के कुरान
सब मुसलमान हैं यक जबान प्यारा रमजान प्यारा रमजान प्यारा रमजान बच्चे बूढ़े और जवान सब मस्जिद को जाएंगे सहरी हो या अफ्तारी दस्तरखान सजाएंगे मुफलिस और नादारों को हम अफ्तार कराएंगे मुश्किल आसान कर दे रहमान बोले ईमान प्यारा रमजान प्यारा रमजान प्यारा रमजान प्यारा रमजान प्यारा रमजान प्यारा रमजान माशाल्लाह भाई ये मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको बहुत सारी पप्पियां करूँ लेकिन आइए लेकिन हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा टाइम दे हमें तो यहाँ पे गोदी बिठाने का दिल कर रहा है ब्रेक के बाद बिठा ली क्योंकि लाइव अगर रो गई नहीं तो संभालना मुश्किल हो जाएगा पिछली ट्रांसमिशन में लाइव रो गई थी लास्ट टाइम आप रो गई थी आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती करेंगे हम आपसे डिस्क्लेमर के साथ आई है ना दोनों अच्छा मुझे बताएं कि आपके लिए बाबा ने घर पे कोई खाने बनाया आपको पता है यहाँ पे हर रोज खाने बना रहे हैं बाबा एवरीडे कभी भी खाने नहीं बनाया कभी भी नहीं बनाया अब तो हर रोज सच बोलता हूँ ना यहाँ पे मैं ये कहता हूँ घर में कुछ नहीं तो ओरियो मिल्क शेक तो मिल जाएगा इतने सारे बाबा ने यहाँ पे नहीं बनाते बाबा को लाइक मैंगो शेक तो बना लेते हैं अपने लिए और ऑरेंज को छील के नमक के साथ खा लेते हैं कभी कभी रात को अगर ऐसा होता है कि इनकी ऑरेंज छीलने आता है मुझे फीडर भी बना लेता हूँ ये मुझे आता है फीडर बना ये तो सबसे अच्छी बात ये बहुत जरूरी होता है सबसे अच्छी बात है कि ये वाली चीज आती है किचन में पूरा गंद फैला देते हैं इसलिए मम्मा कहती होंगी मत आओ किचन में ऐसा ही है ओहो तो यानी कि बाबा किचन में कुकिंग नहीं कर रहे अब बस हम देखें बाबा कहते हैं मम्मा को मत बताना वरना डांट पड़ेगी ये ज्यादा मजे की स्टोरी शुरू हो रही है सारी सच्ची बातें नहीं बताते बेटा सच बोलते हैं भाई नहीं सच बोले सबसे अच्छी बात सारी बातें ना बोले बच्चे देखिए हर शरीफ आदमी जो है ना वो घर से डरता है हर बिल्कुल एब्सोल्युटली और उसके बाद बेटियों से भी डरता है मुझे बेटी इनकी नाराजगियां भी बड़ी होती हैं बच्चियों की जब वो जरा जैसे मियां बीवी में रिश्ता होता है कोई किसी बात का उन्होंने कह दिया और मुझे याद नहीं रहा तो होता ना बंदा नाराज हो जाता है मुंह बना तो वो सारी चीज़ें ये भी देखती हैं तो ये भी इन्होंने मुझे अगर कोई काम कह दिया बाली सकीने अली सकीने और नहीं हुआ तो फिर ये भी उसी तरह नाराज हो जाती कैसे मुंह बनाती है नाराज है? जब बाबा ना मुझे बाबा जब काम कर रहे होते हैं ना मैं बोलती हूँ कि बाबा खेले खेले मैं हिलाती रहती हूँ बाबा कहते हैं मत करो बस आराम से कहते हैं तो ना मैं फिर भी नाराज़ हो जाती हूँ फिर बाबा मोबाइल छोड़ के आते हैं अच्छा जब मैं थका हुआ आता हूँ ना और उस वक्त पे फिजिकली खेलने की हिम्मत नहीं होती यानी भागा दौड़ी की तो कहते तो ऐसा खेल खेलते हैं जो बैठ के खेलने वाला खेल खेलें तो कभी वो ये होता है कभी मुझे कहती है कि बाबा आपके मैंने मेकअप करना है तो कभी मेरा मेकअप होता है कभी मेरे पोनियाँ बनती हैं कभी मेरे पेंटिंग होती है पूरे मुझे है ना पहले जब मैं छोटी सी थी तो मैंने बाबा के ऐसे टू पोनीज बनाए थे उस पे अपने क्लिप लगा दिए Nice. अच्छा बाली सकीना की एक चीज और है जो अच्छी मुझे लगती है ये कंटेंट क्रिएटर है यानी आप इनसे अभी अचानक बोलें कि कोई ऐसा कोई नया गेम बताओ जिसमें हम क्या कर सकते हैं तो ये उसको बता देंगे फॉरेन कंटेंट क्रिएटर अच्छा कुछ घर में जैसे इनको कोशिश की मैंने जो भी ट्वाइस हों किसी ना किसी टारगेट पे यानी आप ये आपके एग्जाम में ये नंबर आएंगे तो या अगर आप ये मिलेगा तो बहुत सारे ट्वाइस लाकर इनको दिए हैं तो और इनकी मम्मा कहती हैं आप इनकी आदत वो कर रहे हैं तो मैंने कहा नहीं इनको टारगेट देके फिर हम करेंगे फिर इनके मम्मा मुझे बताती रहती हैं आज आपने ये ऑनलाइन ये लेना है तो जो जो चीज़ें हैं ना ये फिर यूट्यूब पे भी बच्चों को देखते हैं फिर अब होता ये कि जब डॉक्टर बनी हुई है तो अब आप पेशेंट होंगे आप आएंगे तो मैं ऐसे ही आ गया नहीं नहीं आप पहले दरवाज़ा नॉक करेंगे अच्छा, पहले आप डोर नॉक करेंगे फिर आपसे पूछेंगे हाँ फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपने अपॉइंटमेंट लिया है या नहीं लिया पूरी स्क्रिप्ट दी जाती है और वही टीचर खेलती हैं आप हाँ मुझे बड़े होकर टीचर बाबा को स्टूडेंट टीचर बनाते हैं वेरी नाइस कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगी मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी इंग्लिश पढ़ाओगी इंग्लिश मेरा फेवरेट है वेरी नाइस फेवरेट है बाबा ना आप क्यों नहीं बोल रही आली सकीना बड़ी होगी क्या बनना चाहोगी टीचर बनोगी
अभी हमें नहीं पता, हमारे देखे छोटे छोटे बड़े होके डॉक्टर बनूंगी। अरे डॉक्टर बनना ही आपकी फील्ड चुन, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और फिर मुझे जब बुखार होगा आप मुझे टेबलेट देंगी, मेडिसिन देंगी? अच्छा ये डॉक्टर इसलिए बनेंगी, बच्चे दवाइयों से चिढ़ते हैं, ये दवाइयां ज्यादा खाती होंगी। हाँ हाँ पसंद है इनको। हाँ हाँ बिल्कुल पसंद है। नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं। नहीं कुछ वाकई मेरी बेटी भी ऐसे, उसको अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई प्रॉब्लम कभी हो जाए दवाइयां खाना सबसे आसान काम होता है। खुद पी लेंगे। कुछ बोल रही हैं आप? जी जी हाँ मैं दवाई देती हूँ। जी हाँ वाह, चलिए ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप ब्रेक लीजिए। बोलिए नाज़रीन देखते रहिए प्यारा नमाज़, हम थोड़ी देर बाद आते हैं, जल्दी बोलिए। Yes. बोले व्यूअर्स देखते रहिए, व्यूअर्स देखते रहिए प्यारा रमजान, प्यारा रमजान हम थोड़ी देर बाद वापस आ रहे हैं, हम थोड़ी देर बाद वापस आ रहे हैं।